दूसरा ऑर्डर आ चुका है और हमने गाड़ी लोड कर ली है और निकल चुके हैं। हमें जाना है गौशाला रोड से अपना जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज तारीख है 28/3/2024, दिन है आज बृहस्पतिवार। सुबह के बज रहे हैं 8:30, हम हो चुके हैं रेडी और चलते हैं, करते हैं नीचे पूजा पाठ, उसके बाद करेंगे नाश्ता। तो चलते हैं नीचे और करते हैं पूजा पाठ। पूजा पाठ हो चुका है, नाश्ता नाश्ते हमारा है गुजिया और मट्ठी और यही आज का हमारा नाश्ता। चुके हैं पार्किंग में, हम देख सकते हैं आप लोग, चलते हैं और आगे ऑर्डर आता देखते हैं। पिकअप आ चुका है और हम निकल चुके हैं, आज चल रहे हैं गुड़गावा। गुड़गावा प्यार करते हैं आपको आज और निकलते हैं। हमें जाना है भोलानाथ नगर से अपना पालम प्यार गुड़गावा और हम आ चुके हैं शास्त्री पार्क आने के वाले रोड पे। निकलते हैं और पहुँचते हैं, गाड़ी लोड करवाते हैं। पिकअप पे आ चुके हैं और अपनी गाड़ी हमने लगा दी है, ये शोरूम है, यहाँ से जाएंगे हमारा एसी करवाते हैं लोड और निकलते हैं। गाड़ी लोड करा ली है और निकल चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। हमें जाना है विश्वास नगर से आपका भोलानाथ नगर पे गुड़गावा पालम बिहार और हम ये रोड पे आ चुके हैं, कृष्णा नगर वाले रोड पे हैं, देख सकते हैं आप लोग लगा हुआ कृष्णा नगर की रेड लाइट जाम और ये लाइट ने पार कर दी है और निकल चुके हैं और ये आ चुके हैं हम मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज की तरफ, देख सकते हैं IGL, ये अपना हसनपुर डिपो लगता है और हाईवे पकड़ लिया है अपने और सीधा निकल रहे हैं और ये अपना NH24 का हाईवे है, देख सकते हैं आप लोग सीधा जाना है हमें। यहाँ से हम निकलेंगे मयूर विहार होते हुए DND पकड़ के हुए और सीधा आश्रम के लिए और रास्ता देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है क्योंकि हाईवे है पूरा, इसीलिए आ चुके हैं मयूर विहार वाले चौक पे और ये देख सकते हैं अपना आ चुका है DND, ये टोल बंद है फिलहाल और हम DND पे चल रहे हैं और यहाँ से सीधा अपना पकड़ेंगे नोएडा वाला, ये देख सकते हैं नोएडा वाला रास्ता हमने पकड़ लिया है और अब सीधा निकल रहे हैं अपना RKपुरम होते हुए निकलेंगे। ये आ चुके हैं हम, ये देख सकते हैं आगे लगा हुआ है हल्का फुल्का जाम, जाम काफ़ी परेशान कर रहा है और चलते हैं। आ चुके हैं अपना जयपुर वाले हाईवे पे, देख सकते हैं हवाई अड्डा टर्मिनल, हमें होना है लेफ्ट और यहाँ अपना जो फ्लाईओवर का काम चल रहा था नया फ्लाईओवर बना दिया इन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे वाला, हमें वहाँ से लेफ्ट लेना है, दिखाते हैं आप। द्वारका एक्सप्रेसवे वाला जो नया फ्लाईओवर बना है उसके ऊपर हम चढ़ चुके हैं और यहाँ से सीधा निकलेंगे अपना ब्रिजवासन के लिए, ब्रिजवासन होते हुए सीधा अपना पहुँच जाएंगे अपना यहाँ पर आपका पालम विहार के लिए। यहाँ से पालम विहार की दूरी है लगभग 8 किलोमीटर की, देख सकते हैं आप लोग, ये नया फ्लाईओवर अभी लॉन्च किया है इन्होंने और ये फ्लाईओवर सीधा उतर रहा है अपना एयरपोर्ट Terminal 3 के लिए, जो रास्ता गया हुआ है वहीं पे उतर रहा है, ये देख सकते हैं। और सामने आपको मैं दिखाता हूँ फ्लाइटें वगैरह, आपको हल्की हल्की सी दिख रही होंगी राइट साइड में फ़्लाइटें हैं खड़ी हुई हैं, ये देख सकते हैं ये पूरा एयरपोर्ट है Terminal 3 का, ये देख सकते हैं फ्लाइट दिख रही हैं आपको और अपना रास्ता फ्लाई उतर रहे हैं सीधा, माल उतार दिया है और अपना साइड में लगा दी गाड़ी और खाना खा लेते हैं टाइम से और देखते हैं कहाँ का ऑर्डर आता है, फिर निकलते हैं खाने में। आप देख सकते हैं अपना फैमिली अपना छाछ तड़का और खाने में है आलू गोभी मटर की सब्जी और रोटी, यही अपना खाना आज का खाते हैं। Thank you.
मजा नहीं है और अब निकल चुके हैं घर की तरफ, और घर की तरफ चल निकल चुके हैं। कोई ऑर्डर बजेगा देखेंगे कहाँ पहुँचता है, फिर आपसे उठाएंगे। फिलहाल निकल चुके हैं और हम जस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल वाले रोड पे ही हैं। दिखाते हैं आपको, खाना वगैरह खा लिया हमने, आ चुके हैं अपना टर्मिनल 3 रोड पे, देख सकते हैं। और लेफ्ट में हमारा ये देख सकते हैं फ्लाइट का सिग्नल आ रही है, कोई फ्लाइट लैंड होने वाली है, बाहर से आ रही होगी फ्लाइट टर्मिनल 3। और देख सकते हैं इसका सिग्नल है, ये सिग्नल देता है फ्लाइट आने का। और रोड आगे देख सकते हैं खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल, और आगे दिखाते हैं फ्लाइट आती है तो आपको, थोड़ी सी दूर और चलते हैं फ्लाइट आएगी। अभी देख सकते हैं आप लोग फ्लाइट आ चुकी है, ये लैंड हो रही है। और थोड़ा सा और आपको पास से दिखा के, ये देख सकते हैं बिल्कुल पास, और लेते हैं थोड़ा सा, ये देख सकते हैं ऑर्डर अपना आ चुका है और गाड़ी हो रही है लोड। हमें जाना है चांदनी चौक गौशाला रोड से, देख सकते हैं। गाड़ी लोड करा ली है और निकल चुके हैं, ये अपना है गौशाला वाला रोड, देख सकते हैं कितना जाम है और कितना सड़क ख़राब है। आ चुके हैं सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन के पास, देख सकते हैं आप लोग लेफ्ट में हमारे सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन है। और अपना सीधा जाना है अपने को, सीधा निकलते हैं। आ चुके हैं अपना लाल किले वाले रोड पे, देख सकते हैं जाम लगा हुआ है, और अपने को माल आगे उतरना है, वहीं चल के घुमा के लाते हैं गाड़ी और उतारते हैं अपना माल। ये देख सकते हैं लाइट लाइट पार कर रहे हैं अपनी, जाम काफ़ी है रोड पे, देख सकते हैं आप लोग। लाजपत राय मार्केट पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं चांदनी चौक, और ये बाहर देख सकते हैं पूरा ओल्ड लाजपत राय मार्केट, पीछे बोर्ड लिख रहा होगा आप सबको। और ये पूरा मार्केट दिखाता हूँ आपको, ये देखो गाड़ियाँ लगी हैं, गाड़ी खाली हो रही है, अपनी गाड़ी भी यहीं लगी है और खाली करवा रहे हैं हम, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं सामने लाल किले रोड है, चल रहा है ओपन, और हमने लगा रखी है सर्विस लाइन में गाड़ी को। गाड़ी अपनी दिखाते हैं खाली होते हुए, दिखाते हैं, ये रही हमारी गाड़ी खाली होते हुए, गाड़ी खाली करवाते हैं और निकलते हैं घर के लिए। माल उतार दिया है और निकल चुके हैं, चलते पार्किंग बड़ी करते हैं, गाड़ी निकलते हैं जी। जिम में एंट्री हो चुकी है अपनी, देख सकते हैं आज मारेंगे बाइसेप्स की एक्सरसाइज, देख सकते हैं बाइसेप एकदम बढ़े आ रहा है अपना, मारते हैं बाइसेप। आ चुके हैं और नाश्ता आ चुका है, नाश्ते में आप लीजिए डायमंड येलो डायमंड का चिप्स और बिस्किट जो है गुड्डे और चाय, यही आज का अपना नाश्ता है, करते हैं। और ये ब्लॉग हम यही एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले सुबह।